भारतीय संविधान में सामाजिक समानता को मूलभूत अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। गांधी जी, नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नीति प्रवर्तकों ने संविधान निर्माण के दौरान इस व्यवस्था का इस आधार पर समर्थन किया था कि संवैधानिक स्वरूप ग्रहण कर लेने के पश्चात देश की सामाजिक व्यवस्था को क्षेत्रवाद से मुक्त होने का अवसर प्राप्त होगा तथा देश में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव होगा जिसमें सभी लोग एक समान होंगे तथा भाषा, संप्रदाय तथा क्षेत्र के आधार पर उनमें परस्पर विभेद नहीं होगा। संविधान के प्रवर्तन के 7 दशक हो गए हैं, फिर भी इतने वर्षों बाद भी यह प्रश्न आज भी हमें उद्वेलित कर रहा है कि समता पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के बावजूद भारत के राजनीतिक ही नहीं वरन सामाजिक जीवन में भी क्षेत्रीय भेदभाव उसी रूप में विद्यमान है जिस रूप में वह स्वतंत्रता से पूर्व था। क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है, अपने क्षेत्र या भूगोल के प्रति अधिक प्रयत्न आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों की चाह की भावना को क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की भावना से बाहरी बनाम भीतरी तथा अधिक संकीर्ण रूप धारण करने पर यह क्षेत्र बनाम राष्ट्र हो जाता है जो किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाती है। भारत सहित दुनिया के अन्य देशों में क्षेत्रवाद की मानसिकता को लेकर वहां के निवासी स्वयं को विशिष्ट मानते हुए अन्य राज्यों व लोगों से अधिक अधिकारों की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं तथा सरकार पर अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव डाला जाता है। कई बार इस तरह की कोशिशों का परिणाम हिंसा के रूप में सामने आता है। वस्तुतः क्षेत्रवाद की समस्या कोई नई नहीं है। स्वतंत्रता के रूप पूर्व यह समस्या अंग्रेजों द्वारा प्रेरित थी जिसके मूल में उनकी बांटो और राज करो की नीति थी। संविधान में इस दुष्प्रवृत्ति को समाप्त करने के ध्येय से भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। शक्तिशाली केंद्र, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका तथा एकीकृत अखिल भारतीय सेवा जैसी व्यवस्था के माध्यम से क्षेत्रीयता को समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया गया, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति का तीव्र गति से विकास हुआ। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को अब हमारे राजनेताओं ने अपना लिया और आज वे इस मूल मंत्र का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं।
क्षेत्रवाद के नाम पर जहां देश के कुछ हिस्सों में उत्तर भारतीयों को खदेड़ने के अभियान छोड़े जाते हैं, वहां अलगाव की प्रवृत्तियां भी बड़ी हैं। वर्ष 1968 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग व नक्सलवादी क्षेत्रों में होने वाले उपद्रवों से चिंतित होकर केंद्र सरकार द्वारा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा देने को राज्य सरकार द्वारा केंद्र का हस्तक्षेप मानना व जनता पार्टी के शासनकाल में गौ हत्या प्रतिबंध के विषय पर केंद्र और तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न होना उग्र क्षेत्रवाद का एक प्रमुख उदाहरण है। साधारणता क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता कोई नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं है। अपने धर्म, संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने क्षेत्र से प्रेम एक अच्छी प्रवृत्ति है। इसमें बुराइयों का समावेश तब हो जाता है जब हम क्षेत्रवाद को राष्ट्रवाद से ऊपर मानने लगते हैं। एक क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति भावनात्मक एकता का होना स्वाभाविक लक्षण है, किंतु इस स्वाभाविक प्रवृत्ति में जब संकीर्णता आने लगती है तब तथा व्यक्ति अपने क्षेत्रीय हितों के प्रति इतना अधिक संकेंद्रित हो जाता है कि वह राष्ट्रवाद की भावना का परित्याग कर देता है। यह प्रवृत्ति देश की एकता और अखंडता के समक्ष खतरा पैदा कर देती है। क्षेत्रवाद का विस्तार देश में क्षेत्रवाद की समस्या किसी क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं वरन पूरे देश की समस्या बन चुकी है। इसी क्षेत्रीयता के कारण देश के अनेक भागों में विभिन्न राजनीतिक दलों तथा संगठनों का आविर्भाव हुआ है। क्षेत्रवाद की संकीर्ण मानसिकता के साथ अस्तित्व में आए इन संगठनों ने सदैव क्षेत्रवाद को बढ़ावा देकर राष्ट्रवाद की भावना को क्षति पहुंचाने का काम किया है और अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है, जिसका विस्तार भी हुआ है। क्षेत्रवाद के रूप तथा समस्याएं भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति के अनेक रूप हैं और इसकी अभिव्यक्ति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से हुई है। कभी सांप्रदायिक आधार पर देश विभाजन की मांग उठाई जाती है तो कभी भाषाई या अन्य आधारों पर अलग राज्य के लिए उग्र व हिंसक आंदोलन होते हैं, जैसे पूर्वोत्तर भारत में गोरखालैंड के लिए लगातार मांग उठ रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश को विभाजित कर पूर्वांचल को एक अलग राज्य के रूप में गठित करने की मांग लोगों द्वारा की जाती रही है। इसके अतिरिक्त सभी संकीर्ण भावनाओं तो कभी सुविधाओं एवं सहूलियतों के लिए गलत तरीके से दबाव बनाया जाता है। क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्तियों के कारण देश में अनेक समस्याएं उभरती हैं। इस प्रवृत्ति ने देश को धर्म, भाषा, जाति, संप्रदाय तथा क्षेत्र के
आधार पर बांटने में